दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक और सिटी यूनियन ग्रुप के बारे में। भारत के निजी क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी एक्सिस बैंक ने 1.6 अरब डॉलर में सिटी बैंक के भारतीय कंज्यूमर बिजनेस को खरीदने का ऐलान किया है। बुधवार 30 मार्च 2022 को सिटी बैंक ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस डील से सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन का बिजनेस तथा सिटी बैंक का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिटी बैंक फाइनेंशियल इंडिया लिमिटेड का कारोबार भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि सिटी बैंक ने पिछले साल यानी कि अप्रैल 2021 में ही ऐलान किया था कि वह वैश्विक रणनीति के तहत कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। वहीं बात करें सिटी ग्रुप के ब्रांच की तो पूरे भारत देश में इसके 35 ब्रांच हैं और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 4000 के आसपास है। सिटी ग्रुप कंपनी भारत में साल 1902 में आई थी और इसने कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत साल 1985 में किया था। इस खबर के बाद एक्सिस बैंक के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तकरीबन 11 बजे इस शेयर का रेट 765.85 रुपये के आसपास पहुंच गया था। इसके साथ ही मार्केट बंद होते समय इसके शेयर में 2.26% की तेजी के साथ यह 554.50 रुपये पर बंद हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।